हेलो फ्रेंड्स, साइंस के महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में आज हमारा छठा वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने पांच वीडियो अपलोड कर दिया है, तो जाकर के उसे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। ये ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जो डेफिनेटली ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी की हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे आप। 30 kg भार की एक वस्तु 5 m/s² के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, वस्तु द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो फ्रेंड्स, आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो पता ही होगा, ½mv² होता है। ठीक है, ½mv² होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स 1/2 को 1/2 आप रहने दो, m के जगह पे कितना है 30 है, तो m के जगह पे आप 30 रख दो। यहाँ पे v के जगह पे कितना है फ्रेंड्स, तो 5 है, और 5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आप 30 को 2 के टेबल से काटो तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने कितना है, 25 × 15। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो 15 × 5 = 75, 5 में 7, 15 × 2 = 30, और 7 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, तो जूल होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 375 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको भार का फॉर्मूला आना चाहिए। भार का फॉर्मूला होता है W = mg। ठीक है, W = mg होता है। m का मतलब द्रव्यमान और g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे m आपके सामने दे दिया है फ्रेंड्स, कितना है ये, 10 है। ठीक है, वहीं फ्रेंड्स गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 होता है। तो आपको g के जगह पे 9.8 रख देना है। यहाँ से आप पॉइंट हटा दो तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। यहाँ से 10 और 10 कट गया तो कितना बचा, 98 बचा। और भार का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। जो बल का SI मात्रक वही भार का SI मात्रक, तो इसका राइट आंसर 98 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 kg है, तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? तो देखो फ्रेंड्स, चंद्रमा पे भार कितना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, 1/6 पृथ्वी की तुलना में। तो यहाँ पे पृथ्वी पे आपका वजन कितना है, वजन नहीं फ्रेंड्स भार कहेंगे, तो 60 kg है। तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, 6 से आप डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि द्रव्यमान जो है ना वो दुनिया के हर कोने में सेम रहता है, लेकिन भार बदल जाता है। भार डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण के ऊपर। तो चूंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के मुकाबले 1/6 है, इसलिए यहाँ पे भार आपका 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो देखो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करना। देखिए, ये स्क्रीन से आपका हट भी जाएगा, तो आप इसको देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मोल का संख्या बराबर क्या होता है, तो मोल का संख्या बराबर क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखना होगा, मोल की संख्या बराबर होता है आपका दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान होता है। ठीक है, बटा आणविक द्रव्यमान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको मोल की संख्या कितना दिया हुआ है, तो मोल की संख्या आपको दिया हुआ है 0.6, और दिया गया द्रव्यमान आपको, द्रव्यमान जो है वो आपको निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हट जाएगा, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मोल की संख्या कितना है, 0.6 है, उसके बाद आपको द्रव्यमान निकालना है। नीचे फॉर्मूला में मैंने आपको क्या बताया, आणविक द्रव्यमान। तो देखो फ्रेंड्स, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने अणु हैं, 2 है, तो 14 को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान होगा आणविक, वो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे द्रव्यमान निकालना था, आणविक द्रव्यमान कितना आया, 28 आया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 28 को जब 0.6 से आप मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 16.8 आ जाएगा। ठीक है, 16.8 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो 16.8 ग्राम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आपको मैंने क्या किया, मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान फॉर्मूला लगा दिया। मोल की संख्या 0.6 है, आपका दिया गया द्रव्यमान को आपने एक्स मान लिया, और यहाँ पे आणविक द्रव्यमान जो है वो 28 निकला। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो राइट आंसर जो है वो 16.8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसे भी समझने का प्रयास कीजिएगा।
देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। काफ़ी इजी प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसे सीखने के लिए। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे संवेग निकालना है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी होता है। ठीक है, क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी होता है। यहाँ पे आपको गतिज ऊर्जा दे दिया है, हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो दे दिया है। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, आपको 10 जूल दिया हुआ है। ठीक है, वहीं द्रव्यमान भी आपको m बराबर भी दे दिया है, कितना, 200 ग्राम दे दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि द्रव्यमान को आप केजी में बदल लो। तो यहाँ पे 200 ग्राम है, जब इसको केजी में आप बदलोगे तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से 2020 कट गया तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 0.2 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो m बराबर कितना हो गया आपका, 0.2 केजी। देखिए फ्रेंड्स, ये स्क्रीन से हट जाएगा, इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो फ्रेंड्स, आपको निकालना है संवेग। तो संवेग निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दिया गया है उसी का यूज़ कर लेंगे। देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर दिया गया है आपके सामने, हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो दे दिया गया है। और ये कितना है, तो ये 10 जूल है। ठीक है, ये कितना है, 10 जूल है। तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, यहाँ से ऊपर में आप एम से गुना कर दो और नीचे में भी एम से गुना कर दो। ऊपर में पहले से आपका क्या है फ्रेंड्स, तो ऊपर में पहले से आपका है एम वी स्क्वायर है। ठीक है, एम वी स्क्वायर है, और इधर कितना है, 10 है। अब जब आप मल्टीप्लाई किए हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 1/2 तो आ ही गया, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, एम एम दो बार हो गया, वी का भी स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, एम वी का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। और नीचे में आपका क्या बचा हुआ है, नीचे में एम बचा हुआ है, बराबर जो है वो कितना है, बराबर आपका 10 है। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करना चाहो तो आप नोट कर लो, अन्यथा ये मिट जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन के ऊपर था। अब एम वी को आप क्या लिख सकते हो, एम वी के बदले आप लिख सकते हो पी। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2m है, 2m इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10 इंटू क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे p का स्क्वायर रहेगा। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, यहाँ 10 का 10 रहने दो, 2 के जगह पे 2 रहने दो, m के जगह पे मैंने क्या निकाला था, देखो m आपके सामने दिया है 200 ग्राम, और 200 ग्राम को जब मैंने केजी में बदला था 1000 से डिवाइड करके, तो कितना हुआ था, 0.2 केजी। तो m को आपको लिखना है 0.2। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा दो तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये 10 और 10 कट गया, तो अब आपके सामने फाइनली फ्रेंड्स बचता है पी स्क्वायर इज इक्वल टू, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट जाएगा फ्रेंड्स। तो आप फिर से नोट करना चाहो तो कट लो, यहाँ से फाइनली आपके सामने बचेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, 2 इंटू 2 बचेगा, यहाँ से पी इक्वल टू पी रहने दो, यहाँ से ये स्क्वायर रूट चला जाएगा, स्क्वायर हटने के बाद ये रूट में चला जाएगा, तो ये 2 इंटू 2 है, और देखिए दोनों में से एक 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से संवेग का मान जो है फ्रेंड्स वो 2 आ जाता है, और संवेग का एसआई मात्रक जो है वो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। जैसा कि पता है ना फ्रेंड्स कि इसका जो सूत्र होता है वो पी इक्वल टू एम वी होता है। ठीक ना, तो एम का जो एसआई यूनिट होता है वो केजी होगा, वहीं फ्रेंड्स आपका वेग का ऐसा यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड होगा। तो इस प्रकार से आपका संवेग बराबर हो जाता है 2 kg मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स सारा क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।